क्लासेस डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहूर, आप सभी के लिए लेकर आई हूं लेसन 15 अ सीक्रेट। ये है, आप सोच रहे होंगे कि फिर से नहीं 8th ग्रेड का है ये। अभी आप सोच रहे होंगे 8th ग्रेड क्या है, तो 8th ग्रेड में बता देती हूं, अभ्यास पुस्तिका प्रश्न बैंक जिसे बोला जाता है, जिसमें से आपका 50% का आता है, तो ये जो है आपका लेसन 15 है आज सी ग्रेड। इससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे 14, 13, 15, 10 ये सब कहाँ करवाएं, तो मैंने ये सब भी करवा दिए हैं। आप लोग एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक देख लीजिए, या फिर आप थोड़ी सी तकलीफ उठाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या है, आप लोग अगर थोड़ी सी तकलीफ भी करेंगे ना, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। सो इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा सारी वीडियोज़। मैंने मतलब पर्सनली बोल रही हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि इन जस्ट वी थ्री, वन इज़ अ वर्ड, वन इज़ अ, एक मिनट रुकिएगा, वन इज़ अ पोएट एंड द अदर वन इज़, आपको बताना है कि उस पोयम में ऐसा बोलते हैं कि जस्ट वी थ्री, हम तीन हैं, एक तो पक्षी है, एक पोएट है और एक कौन है, चेरी ट्री। आंसर है चेरी ट्री, ठीक है। तो एक अ सीक्रेट है इसमें, एक रहस्यमयी कहानी है ये, जो पोएट की है और वहाँ जो वो बैठे रहते हैं उसका, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं आप लोग, हाउ मैनी एग्स आर लेड बाय द रोबिन, आपको बताना है कि रोबिन के द्वारा कितने एग जो हैं किए गए हैं। तो दैट इज आंसर इज 4। मैंने ये वाला लेसन शायद कंप्लीट नहीं करवाया, तो इसका स्टोरी मुझे शायद ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है, बट आप लोग आंसर पे टिक लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने जितने भी आपको करवाए हैं ना, वो सारे के सारे मतलब पूरा टोटली मैंने बेसिक क्लियर समझा दिया है उसमें, तो आप लोग एक बार ही चेक कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। देख रहे हैं, ये गेट खुला था और ये गेट बंद भी हो गया, देख रहे हैं हमारे यहाँ जादू होता है, देख रहे हैं जादू। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ ट्राइंग टू कीप द सीक्रेट, जो सीक्रेट कौन कौन मतलब उस सीक्रेट को सीक्रेट बना के रखना चाहते थे। तो रोबिन, एक रोबिन था, एंड आई मतलब वो आई से यहाँ पर मतलब पोइट का, ठीक है, एंड द स्वीट चेरी ट्री, उस चेरी ट्री से इन लोगों की बहुत सारी बातें हुई और इन्होंने उस ट्री को बोल दिया स्वीट चेरी ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अदर देन द पोएट एंड द ट्री हु एल्स नोज द सीक्रेट। सो देखिए, पोएट और उस ट्री के अलावा जो सीक्रेट था वो और कौन जानता था, रोबिन, कौन जानता था, रोबिन। अभी इस रोबिन का भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा ये भी थोड़े से आगे चल के। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको जो नीचे दिए गए हैं उसके राइमिंग वर्ड मैं बताती हूँ आपको। राइमिंग वर्ड मतलब क्या होता है, राइमिंग वर्ड मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिन्हें बोलने से एक सी ध्वनि निकले। जैसे मैंने बोला दीपिका, अब मैं बोलूँ आपका ऋषिका, मैं आपका बोलूँ रोमिका, या मैं आपसे बोलूँ कि कृतिका, वहाँ आपसे बोलूँ मतलब साउंड निकल रहा है का का का, दैट मीन्स वेस्ट वेस्ट वेस्ट। देखिए वेस्ट मतलब अच्छा होता है, एक बेस्ट मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, और ग्रेड मतलब क्या होता है, ग्रेड का क्या हो जाएगा, सेंड, फिर इसके बाद ग्लैड। मतलब से कोई मतलब नहीं है, जो समान ध्वनि निकले उनसे मतलब है। अगर मतलब से मतलब रखेगा तो वो आपका फिर सिनोनिम्स में आ जाएगा, या फिर आपका अपोजिट वर्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमको तो ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनका ध्वनि प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया आप लोग, कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, आपको एंटोनिम्स या फिर मैं बात कर रही हूँ अपोजिट वर्ड, बात एक ही है, कान इधर से पकड़िए या इधर से पकड़िए, पकड़ाएगा क्या, कान या कान का। सो एंटोनिम्स मतलब होता है आपका ब्लॉम शब्द, सॉरी पर्यायवाची बोलती थी, ब्लॉम शब्द, और अपोजिट मतलब भी होता है क्या आपका ब्लॉम शब्द। तो यहाँ पर लिखा है स्वीट, स्वीट मतलब क्या होता है मीठा, और विटर मतलब क्या होता है कड़वा, ह्यूज मतलब क्या होता है विशाल, और टिनी मतलब छोटा सा, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने हैं आपको, इसमें आपको एक या दो बात में ही उत्तर देने हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि हु टोल्ड द सीक्रेट टू हूम, देखिए जो सीक्रेट था वो किसको बताया गया था, किसके द्वारा, ठीक है। तो द वर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी, जो वर्ड है उस
उसने बताया था ट्री को, मतलब जो सीक्रेट था वो बर्ड को, बर्ड ने बताया था उस स्वीट चेरी ट्री को, और उसने बताया उसको, किसको, पोइट को, जहाँ मी से मतलब पोइट का ही है। चलिए सॉरी ये नहीं है ना, अपन किस पे आ गए भाई, हाँ इसी पे तो आ गए। हु नोज द सीक्रेट बेस्ट, जो सीक्रेट है वो सबसे ज्यादा अच्छे से कौन जाता है, ये रोबिन कौन है, इस रोबिन वही है जो वर्ल्ड है, ठीक है, इसीलिए पूछा गया था कि एग आर लेड बाय द रोबिन, कितने एग दिए जाते हैं उसके द्वारा। चलिए तो रोबिन जो है वो उस सीक्रेट को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि उसने उस ट्री को बताया, उस ट्री ने उस पॉइंट को बताया, है ना। तो जो रोबिन है नोन एज द सीक्रेट बेस्ट, जो हु है उसकी जगह पे आप लिख देंगे रोबिन, जो सबसे अच्छे से सीक्रेट को जानता है। अगर इस लेसन को आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और कल ये लेसन ज़रूर आएगा आप सभी के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि व्हाट डिड द रोबिन वुल्ड, तो जो रोबिन था वो क्या वुल्ड कर रहा था, क्या बना रहा था, तो जो रोबिन है भाई वो पक्षी है, तो वो क्या बनाएगा, नेस्ट, घोंसला बनाएगा उसका। तो द रोबिन वुल्ड आप लिखिएगा, डेड है तो वुल्ड है, तो डेड हटता है तो सेकंड फॉर्म आती है, तो वहाँ पर वुल्ड हो गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट उस घोंसले का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग ध्यान से कि एक मिनट रुकिएगा, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। भाई मैं यहाँ पर आप चीज़ को एक और अच्छी खुशखबरी वाली बात बताऊँगी कि जिन बच्चों को नहीं आता है ना कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस होते क्या है, तो स्किप मत करिए, आपके काम की चीज़ बता रही हूँ, स्किप कर देते हैं बार बार वीडियो को, आपको समझ नहीं आता है, लिस्ट बनी हुई है, आप एक बार ही चेक करिएगा नेगेटिव कैसे बनता है, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बोल रही हूँ। और टेंस पढ़ने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा टेंस का सीजन आने वाला है आप लोगों के लिए, बस मैं सोच रही हूँ आपका सेंटेंस क्लियर हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कीप द सीक्रेट, आपको इसको नेगेटिव में बदलना है, तो यहाँ पर आई वॉन्ट लिखा है भाई, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता कि विल का डायरेक्ट वॉन्ट कैसे हो गया, सो विल का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वॉन्ट लिख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को अगर कठिनाई होती है इस चीज़ में, अगर रटना पड़ रहा है तो बिल्कुल ना करें इसको, क्या करिए आप, आई विल नॉट लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, विल नॉट, क्या लिखेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। सो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेवन सेंटेंस, आपको 5 से 7 वाक्यों के बीच में इसका आंसर देना है। खाओ माँ कसम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट, अगर आप पोएट की जगह पे होते, होते क्या, किस किस को पोएट्री लिखना पसंद है, वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन, इफ यस तो हाउ। आपको बताना है कि आप जो है अगर पोएट होते तो जो रोबिन का सीक्रेट है उसको आप बना के रखना चाहते, मतलब अपने अंदर रख पाते, उसको सीक्रेट ही रख पाते या नहीं, और वो सीक्रेट क्या था। आपको अगर सीक्रेट जाना है तो कल की वीडियो का वेट ज़रूर करिएगा, उस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें मैं इस लेसन को पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ, ठीक है। मुझे लगा गेट खुला और मैं पीछे देख रही हूँ, बताओ कितना, मतलब कॉमन सेंस है ही नहीं यार, इधर से भी देख सकती हूँ, आप लोग बताते क्यों नहीं है मुझे। तो आंसर क्या है, इफ आई वुड ट्राई टू कीप द, सॉरी एक मिनट रुकिए, अपन इस साइड देखते हैं, ये देखिए, अगर मैं, मेरी बात बोल रही हूँ, अगर मैं पोइट की जगह पे होती तो मैं क्या करती, यश मैं उस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखती, आई वुड ट्राई टू कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन, आपको यहाँ पर यश लिखना है, आपने यश लिखा, आपने यश लिखा, ठीक है, फिर जो लिखा है ना, क्या लिखा है आपका, सॉरी यश, आई वुड, आई मतलब मेरी बात चले तो मैं, आई मेरे को, मैं तुम क्यों बोलूँगी, मैं तो अपने आप को मैं ही बोलूँगी ना, तो मैं क्या करूँगी, यश आई वुड कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन, इतना लिख लिया, हाँ लिख लिया, इतना आपको मिल गया कहाँ से, क्वेश्चन में से, आई नो दैट व्हेन द लिटिल, लेटल नहीं है, लिटिल है वो, वर्ड्स फ्लाई आउट, जब जो, क्योंकि मुझे पता है कि जब छोटा बर्ड है जो पक्षी है वो उड़ जाएगा, देन द होल सीक्रेट विल बी आउट, जो सीक्रेट है, जो पूरा का पूरा सीक्रेट है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, ठीक है। सो जो सीक्रेट है वो लिटिल वर्ड्स से है, आपका सीक्रेट है, आपको कल आपकी वीडियो में मिल जाएगा, अगर अपन आप लोग जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि राइट एनी फुल लाइन ऑफ द पोएम अ सीक्रेट, आपको बताना है कि इस
इस पोयम की जो सीग्रेट अ सीग्रेट पोयम है, इसकी आपको चार लाइन लिखनी है किसी भी स्टेंजा में से। तो स्टेंजा आप लोग देखिए और उसमें से आपको जो स्टेंजा सिंपल पढ़ रहा है वो लिख लीजिए, और मैं कल की वीडियो में बताऊंगी तो मैं उसमें हिंदी मीनिंग भी समझा दूंगी और आपको बताऊंगी भी कि कौन सा स्टेंजा आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपके क्वेश्चन आंसर में भी आपको मदद देगा, ठीक है। सो ऐसी हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और स्किप मत करिए वीडियो को, स्किप मत किया करो आप लोग, मुझे बहुत गुस्सा आता है आप लोगों पर। तो आप लोग मेरी वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं, आप लोगों ने इतना मेरी टाइम वीडियो को टाइम दिया और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आप सभी के लिए आती रहे। सो आप लोगों का एक ही काम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। जितना ज़्यादा आप हेल्प करेंगे उतनी बेहतर क्वालिटी की वीडियोस आएंगी, जितने जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा, जितने जल्दी आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जितने जल्दी आप मुझे बड़ी बड़ी फैमिली ला के देंगे मेरी, सो उतनी ही जल्दी हमारी फैसिलिटीज़ और क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। और मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये सब आप सभी के लिए कर रही हूँ और मेरे लिए कर रही हूँ, तो आप सभी और मेरे तक ही तो ये बात रहेगी ना, तो आप मुझे हेल्प करिए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। सो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया, आप इस तरीके से क्या, तो आप मुझे कमेंट है कमेंट में बढ़िया लिख के दीजिए, मैं समझूंगी उस बात को और बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच आप सभी ने मुझे इतना टाइम दिया।